हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको गाइड करूंगा कि इंस्टाग्राम की रील कैसे बनाते हैं। आप रील तो बना सकते हो आसानी से, बट उसमें इफेक्ट वॉइस ओवर नहीं कर सकते, गाने के हिसाब से उसमें सारे इफेक्ट और सारी थीम नहीं लगा सकते। वो सब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लगानी है। दो ऐप के थ्रू से बन सकती है, एक तो इनसॉर्ट और एक वीएन। तो सबसे जो ज़्यादा मोस्टली इफेक्ट यूज़ करता है वो वीएन यूज़ करता है। इनसॉर्ट में इफेक्ट थोड़े ही यूज़ होते हैं, बट वीएन में ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको पूरा गाइड करूँगा, गाने के हिसाब से आपको बना के दिखाऊंगा, चला के दिखाऊंगा, एकदम ओके की रिपोर्ट में दिखाऊंगा। तो चलते दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो दोस्त नए आए हो भाई, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चल रहे हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर, आपको एक एक स्टेप बाई स्टेप सारी आपको रील्स बना के दिखाता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, अब सबसे पहले मैं आपको एक रील दिखा देता हूँ कोई भी। मान लीजिए मैंने ये अपनी आईडी खोल ली और यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं इसको म्यूट कर लेता हूँ। अभी देखो ये चल गई, ये देखो ये जो इसमें कट लगा एकदम, ये आपको कैसे लगाना है। ये देखो ये लग गया कट, ये आपको कैसे लगाना है इसमें इफेक्ट, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो अभी सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले मान लीजिए इसी पर आपको करना है अपना। तो मैं इसका गाना डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ से आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से इसका लिंक कॉपी कर लेना है। देखो मैं आपके सामने इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ। लिंक कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको गूगल में जाना है फ़ोन के। मैं आपके सामने क्रोम में चला जाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ इंस्टाग्राम रील डाउनलोड। ये आ गया, देखो यहाँ पे मैंने पहले से एक रील डाउनलोड कर रखी थी तो वो आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वो जो आपने लिंक कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है सिंपली। एक से दो मिनट का वेट करना है। ये आ गई, देखो नीचे इस पर डाउनलोड वीडियो पर क्लिक कर देना है और एक से दो मिनट में वीडियो आपकी देखो डाउनलोड हो जाएगी। इसको ओपन कर लेते हैं, देखो ये हो गई आपके सामने डाउनलोड। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर में जाके, वीएन। मेरे मोस्टली यूजर्स को पता होगा ये, जिसको नहीं पता वो यहाँ पे सर्च कर ले वीएन और वीएन में जाके इसको डाउनलोड कर ले। देखो मैंने कर रखा है ऑलरेडी। अब मेरे को क्या करना है, सिंपली ओपन कर लेना है। अब देखो ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो ये यहाँ से आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद प्लस पे जाना है, प्लस वाले आइकन पे, और यहाँ पे जाना है न्यू प्रोजेक्ट पे। तो मान लीजिए कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ मैं आपके सामने, जैसे कि मैं ये वाली वीडियो ले लेता हूँ आपके सामने। तो मैंने ये वाली वीडियो ले ली आपके सामने, एक से दो मिनट वेट कर ले रहे हैं, प्रोसेसिंग हो रही है। इसमें मैं आपको कट लगा के दिखाऊंगा, सारे इफेक्ट लगा के दिखाऊंगा, आपको एकदम तैयार करके बताऊंगा कैसे बनती है। तो अभी बस एक बार प्रोसेसिंग पूरी हो जाए, उसके बाद आपके सामने वीडियो आ जाएगी। तो ये फाइनली प्रोसेसिंग पूरी हो गई है, अभी आपके सामने वीडियो आ चुकी है, देखो ये रही। तो मैं इसको एक बार म्यूट कर देता हूँ, अब इसको चला लेते हैं। देखो ये वीडियो है, इस पर मैं आपको इफेक्ट लगा के बताऊँगा गाने के हिसाब से। तो अभी क्या करना है, देखो एक बार आपको दिखा दूँ, 14 सेकंड की वीडियो है ये। ये इसकी थीम आती है वीएन की, तो आपको इसको डिलीट कर देनी है सिंपली। अब यहाँ से क्या करना है, अब आपको यहाँ से करना है प्लस वाले आइकन पे, ये वॉल्यूम वाले सॉरी म्यूज़िक वाले प्लस पे, और यहाँ पे करना है म्यूज़िक पे। म्यूज़िक पे करने के बाद आपको यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो, मतलब जो हमने वीडियो डाउनलोड करी है उसका हमें गाना चाहिए। तो आपको ये वाली हमने वीडियो डाउनलोड करी है, इस पर क्लिक कर देना है और ये ओके कर देना है। ये ओके करने के बाद देखो ये सबसे ऊपर आ गया, उसको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है और देखो ये आ गया ऊपर गाना। तो मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ एक बार, वॉल्यूम तेज़ कर लेता हूँ। देखो ये देखो, पहले नीचे वाले को म्यूट कर लेते हैं, अब देखते हैं। देखो ये हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले इसमें इफेक्ट लगाना है। इफेक्ट कैसे लगाएंगे, एफेक्ट्स पे जाएंगे और यहाँ पे ये लगा दिया हमने इफेक्ट। अब देखो सबसे पहला इफेक्ट चला के दिखाता हूँ मैं आपको, बिल्कुल उस पर लगाया म्यूजिक पे, इफेक्ट लग गया। देखो ये लग गया, इसको बोलते हैं वीएन की भाषा में एफेक्ट्स। तो ये देखो, पहला इफेक्ट देखो ये लग गया। अब आप इस पर कितने भी इफेक्ट लगाओ, अब यहाँ पे इस पर क्या करना है, आप एक साथ लगाओगे तो नहीं लगेगा, आपको स्प्लिट करके इसमें कट देना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे ये कट दे देता हूँ, इसके बाद आप फिर देखो ये इस पर लगा दूँ, यहाँ पे एक और लगा देता हूँ, ये लगा दिया। ठीक है, अब आपको दोबारा दिखा दूँ, फिर तीसरा लगाना है तो आपको फिर से स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ नहीं लगा सकते, एक साथ एक वीडियो में सिर्फ एक बार लगा सकते हैं। तो मोस्टली यूज़र को प्रॉब्लम होती है, पहले मुझे भी होती थी, अब मेरे को जानकारी हो गई इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपके भी यूज़ में आ जाए वीडियो। तो आपको स्प्लिट पर फिर से क्लिक कर देना है, आपको फिर से आगे एक और कट लगा देना है। देखो ये आया,
सॉरी, अब आपको यहाँ पे फिर से एफएक्स पे जाके और फिर से आप यहाँ पे लगा, देखो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको शुरू से चलानी है। देखो आप आगे पीछे भी कर सकते हो। देखो जैसे मान लो आपका कट से पीछे हो गया, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये होगी देखो आगे। अब आप फिर से चला के देखो, कितना भी आगे पीछे कर सकते हो और कितने भी इसमें इफेक्ट लगा सकते हो। आपको आपकी इस स्प्लिट से ही प्लस का जो आइकन है, इससे कोई भी आपकी वीडियो पे फर्क नहीं पड़ेगा, आप कितने भी कर सकते हो। तो अब आप, मैं एक इफेक्ट और लगा लेता हूँ यहाँ पे स्प्लिट लगा के, वो अच्छा लगता है। देखो ये यहाँ पे जाते हैं और ये मैं ये लगा देता हूँ थोड़ा सा, देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब चलाता हूँ आपको, पूरी रील तैयार हो चुकी है। देखो आपके सामने दोस्तों मैंने पूरी वीडियो चलाई है, वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी सी एक दो जगह इसलिए रुक रही है क्योंकि ये आईफोन की बनी हुई वीडियो है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आपके फ़ोन में आराम से चल जाएगी अगर एंड्रॉयड फ़ोन की वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको कोई भी इशू है वीडियो से रिलेटेड या एडिटिंग से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको सिंपल यहाँ से सेव कर देनी, देखो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी और आपकी गैलरी में आ जाएगी। देखो ये हो रही, इसमें 2 से 3 मिनट लगेंगी, उसके बाद ऑटोमेटिक ही आपकी गैलरी में आ जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।